लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। सीहोर जिले की आजादी के संघर्ष में शहीद हुए 365 अनाम शहीदों की शहादत को हर वर्ष 14 जनवरी को नगरवासियों द्वारा सामूहिक श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। यहां 14 जनवरी 1857 को सीहोर में 365 क्रांतिकारियों को कर्नल हीरोज ने बर्बरता पूर्वक गोलियों से छलनी कर दिया था। इन देशभक्त शहीदों ने 6 अगस्त 1857 को अंग्रेजी साम्राज्य ध्वस्त करते हुए तत्कालीन सीहोर कंटोनमेंट में सिपाही बहादुर के नाम से अपनी स्वतंत्र सरकार स्थापित कर ली थी। इस सामूहिक हत्याकांड के बाद सीहोर कंटोनमेंट एक बार फिर अंग्रेजों के अधीन हो गया। इसी के याद में हर वर्ष 14 जनवरी को सीहोर के नागरिकों ने भूली हुई विरासत की गवाह बनी इस जीर्ण शीर्ण समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। अब जाकर सरकार इस स्थान को शहीद पार्क बनाने की तैयारी में है। अब क्षेत्रीय विधायक का मानना है कि इस स्थल का कल्प किया जाए। सीहोर से दिनेश तिवारी की रिपोर्ट। अमर शहीदों की स्मृति में आज जो गणमान्य नागरिकों ने सभी हमारे शहीदों के उपलक्ष्य पर जो अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी है, भावभीनी श्रद्धांजलि दी है, उसको समाज के सभी वर्गों को साथ जोड़ के एक स्थायी रूप दिया जा सके और कुछ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके यहाँ पे, ताकि आने वाली पीढ़ियों के मन में हमेशा सम्मान रहे, उनको याद किया सके और स्मृतियाँ जो हैं वो जब तक समय है, समय काल है, तब तक वो स्मृतियाँ सी होके मन में रहें, हमें गौरवान्वित करते रहें। इससे सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया जाएगा और कुछ अच्छी सुविधाएँ यहाँ पे डेवलप होंगी। आने वाले समय में हम लोगों ने पीड़ा उठाए हैं। मैंने पिछले कार्यकाल में भी सांसद महोदय से, एक अनिल माधव दवे साहब से और एक हमारे आलोक संजट जी से यहाँ सहयोग लिया था। और अभी जो काम आप आसपास देख रहे हैं, ये पीछे जो मड़िया बनी हुई है, ये भी उसी के रूप में बनी है। और आने वाले समय में भी मैं मेरी ओर से भी, मेरी निधि से भी और अभी जो वर्तमान सांसद महोदय हैं उनसे भी निवेदन करके, मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो इस क्षेत्र को, इस जगह को, इस ऐतिहासिक स्थल को हमेशा याद रखा जाए, ऐसा बनवा के छोड़ूंगा। बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रयास नगरवासियों का, बुद्धिजीवियों का, पत्रकारों का, सभी के इसके अंदर योगदान रहा है। और अब जाकर ऐसा लगा है कि वो सपने जो हमने देखे थे वो सने सने पूरे हो रहे हैं। प्रशासन की निगाह, प्रशासन की निगाह इस ओर आई है कि ये स्मारक इस बात का प्रतीक है। बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।